अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास एक चीज है वो हम अभी करने लगे हैं। हम नेट से कोई इमेज उठाते हैं, जैसे इधर से मैंने उठाया एक कार्टून, ठीक है। ये कार्टून मैं ले रहा हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल ट्विटी। ट्विटी को हम, ये गुस्से वाली ट्विटी, ओके, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इधर कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। अब कंट्रोल वी किया मैं, मुझे इसको थोड़ा सा सेट वेट करना है या इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो अभी जो करने लगा हूँ ये जरा गौर से समझना, बहुत जरूरी है। एक क्लिक किया, इमेज ट्रेस पे गया, 16 कलर ट्रेसिंग इसकी कर दी मैंने, ये रिजल्ट आ गया जी इसका। अब इसको किया एक्सपेंड, और ये वाइट एरिया मैं कर देता हूँ इसका साइड पे, यानी अब मैं इसको चेंज वगैरह कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करके इस वाले पार्ट पे कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ, या कोई और पार्ट है, या इसके ये जो ये ऑरेंज कलर है इसको चेंज कर रहा हूँ, या ये वाला कलर चेंज कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये भी चाह रहा हूँ देखना कि पूरा जो ट्विटी है वो किस तरह का नजर आ रहा है, कि मैं जो चेंजिंग कर रहा हूँ साथ साथ, अगर मैं देखना चाहूँ कि फुल पिक्चर किस तरह की लग रही है अब, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास ये एक फाइल है, जैसे ये ट्विटी की फाइल आ गई यहाँ पे, अनटाइटल है अभी, सेव नहीं की, ठीक है। इधर सबसे पहले हम करेंगे, विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके ये एक ऑप्शन आता है न्यू विंडो, ठीक है, ये आपने शायद कभी ट्राई ना किया हो। न्यू विंडो पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, इसी का रेप्लिका कर देगा, यानी फाइल को डुप्लीकेट कर देगा। यहाँ कभी आपको फाइल डुप्लीकेट बनानी पड़ जाए तो यूं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट तो कर दिया, लेकिन ये दोनों फाइल्स आपस में लिंक हैं, किस तरह से लिंक हैं आइए देखते हैं। पहला आर्टबोर्ड यानी ये वाला हमारा, अच्छा। अब हम दोबारा विंडो में जाएंगे और अरेंज में जाएंगे, अरेंज के अंदर ये टाइल का ऑप्शन है, ठीक है। अरेंज के अंदर जाएंगे, अरेंज के अंदर यहां पर हमारे पास एक टाइल का ऑप्शन है, विंडो अरेंज टाइल। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों आर्टबोर्ड को आप थोड़ा सेट करना पड़ेगा। जैसे इधर क्लिक करता हूं और इसको थोड़ा सा यूं रख देता हूं, और इधर आ जाता हूं, इसको उठा के मैं यूं सेट करता हूं, और थोड़ा सा मैं चाहता हूं इधर को ये आए, चले ये। अब ये देखें जी, हम इसको करते हैं जूम इन, ठीक है। जूम इन करके इसके जो ये चोंच सी बनी है इसको मैं करता हूँ रेड, इसको क्लिक किया, इधर आकर मैं इसमें करता हूँ रेड कलर। नाउ यू कैन चेक कि सेकंड जो आर्टबोर्ड है उसमें भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इधर आता हूँ और इधर आकर ये कलर कर देता हूँ, या रेड ही कर देता हूँ। तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है वहां पे, ठीक है। ये जो परिंदा सा इसने पकड़ा है इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ये वाला पार्ट भी इसका ब्लैक जी। समझ आ गया ये फंक्शन? नहीं सर, एक दो बार फिर से समझा दें। रिकॉर्डिंग देखना बेटा, आप डुप्लीकेट किया, ये विंडो में जाएंगे ना, न्यू विंडो आपने ले लेनी है, न्यू विंडो से डुप्लीकेट कर देगा दोनों फाइलों को। अरेंज जाके फिर टाइल पे क्लिक कर देना, तो ये टाइल मीन एक ही व्यू के अंदर ना दोनों चीजें आ जाएंगी, और जो जो इधर करते जाओगे जूम करके तो वो रियल में दूसरी फाइल भी चेंज करता जा रहा है आपके सामने, ठीक हो गया जी। तो ये वाला जो पार्ट था हमारा, आई थिंक ये मैंने लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गया, स्वेचिज वगैरह ऐड करना ये भी बता दिया, इमेज ट्रेसिंग भी आप लोगों को बता दी, स्लाइस टूल बताना है, ये है क्रिएट न्यू विंडो विद टाइल, ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा जी, स्लाइस टूल से पहले हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम एक ग्रिड क्रिएट करेंगे एज गाइड, ठीक है। तो गाइडलाइन के लिए ग्रिड कैसे क्रिएट करना है, ये पहले दोनों फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ और कंट्रोल एन करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ यहाँ पे। न्यू फाइल लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, कहाँ गया ये ऑप्शन, हाँ जी, हाउ टू क्रिएट ग्रिड एज गाइडलाइन,
यहाँ पर हम एडिट में जाएंगे, सबसे पहले हम करेंगे एम, एम को प्रेस करेंगे, एक बॉक्स लेंगे। इस बॉक्स को जब हम बना लेंगे ठीक है, तो हमारे पास एडिट के अंदर एक सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है पाथ का। पाथ के अंदर यहाँ पर ये है स्प्लिट इनटू ग्रिड, ठीक है। दोबारा देखें, एक आपने बॉक्स बनाया एम टूल, उसका शॉर्ट की यानी रेक्टेंगल टूल। बॉक्स बनाने के बाद हम चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, पाथ के अंदर हमारे पास है स्प्लिट इनटू ग्रिड, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये एक ऑप्शन आती है स्प्लिट इनटू ग्रिड। इससे क्या होगा, अगर हमें कोई वर्किंग करनी है, खास तौर पे कोई इलस्ट्रेशन बनानी है, हमें ग्रिड चाहिए सिर्फ मुख्तसर सा, या एक स्पेसिफिक एरिया है, खास एरिया के ऊपर हमें ग्रिड लगाना है, ठीक है। वो ग्रिड बनाने लगे किस तरह से बनता है, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी आपको रिक्वायर्ड है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे नंबर ऑफ रोज यहाँ पे बना दो तुम 20, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए मैं कहता हूँ 20, और इसको कर दो ओके। तो ये इसने मुझे एक ग्रिड बना दिया। अब इस ग्रिड की मदद से क्या करूंगा मैं, इसको मैं राइट क्लिक करके, यानी ये सारा पहले सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके इसको मैंने कर लेना है मेक गाइड्स। मेक गाइड पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये ग्रिड मेरा गाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। गाइड्स क्या होती हैं, जैसे कंट्रोल आर करते हैं तो ये रूलर आता है, यहाँ से ये आप लाइंस लगाते हैं काम करते हुए, बिल्कुल उसको सीधा रखना हो। जैसे कभी आपने मिस्त्री को देखा हो, वो घर बनाता है तो उसने एक फीता सा रखा होता है साथ, तो एक इंट जब वो लगा रहा था दीवार बनाते हुए, तो एंगल अपना वो सेट करने के लिए साथ में वो एक डोरी से चला रहा होता है कि बिल्कुल दीवार सीधी जा रही है कि नहीं। तो इसी तरह यूं रो वाइज कॉलम वाइज आप लगा सकते हैं। अगर आपको ग्रिड टाइप चाहिए हो तो आप यूं कॉलम रो की मदद से भी ग्रिड बना सकते हैं, वरना राइट क्लिक करके अगर आप शो ग्रिड करेंगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अगर आप इससे डिस्टर्ब होते हैं या ये बहुत छोटा सा आता है, तो हम इस तरह खुद से कस्टमाइज ग्रिड भी बना सकते हैं। हाइट ग्रिड कर देंगे चला जाएगा, अगर आप कर देंगे हाइट गाइड तो ये गाइड भी यहाँ से चली जाएंगी। अगर आप राइट क्लिक करके शो गाइड करते हैं, गाइड वापिस आ गई। अगर आप इसको आधी को डिलीट करना चाहते हैं ठीक है, तो ये कर भी सकते हैं। अब ये क्यों नहीं हो रही, ये इसलिए नहीं हो रही कि हमने इसको किया लॉक। अगर आप लॉक को करते हो क्लिक, अब ये अनलॉक होगी। आप इसको सिलेक्ट करके आदियों को ये साइड पे, इसको भी साइड पे ये चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप गाइड के साथ काम करना चाहते हैं तो सिलेक्शन के बाद यहाँ वैसे ही राइट क्लिक करके लॉक कर दो। लॉक करोगे तो ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे जस्ट रहेंगी। अगर आपको ये ब्लू कलर पसंद नहीं है गाइड का, तो ये एक ऊपर बटन बना हुआ है जीपीयू, ठीक है, जीपीयू परफॉर्मेंस, इसको क्लिक करो। क्लिक करके यहाँ पर अंदर है स्मार्ट गाइड, ठीक है, और ये गाइड एंड ग्रिड, ये ब्लू कलर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप रख दें इसको ग्रीन कर दें, सियान कर दें, ये मैं ग्रीन करता हूँ या मैं इसको कर देता हूँ सियान, ओके। तो इसका कलर इस तरह से आ गया, ठीक है, ये ले, ये चीजें हो गई जी। अच्छा अब सर ये यूज किसके लिए होती है, गाइड वगैरह हमें किस पर्पज के लिए यूज करनी पड़ती है, ये भी जरा गाइड कर दें हमें। खास तौर पे लोगो बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे हमारी जो लोगो डिजाइनिंग की क्लास है, मैं आपको गाइड के थ्रू बना के भी दिखाऊंगा। या खास तौर पर आप पेन टूल से काम कर रहे हैं, जैसे आपने एक पॉइंट ये लगाया, यहाँ से शुरू किया और इसको इस पॉइंट पर रख के यूं आप कर रहे हैं। इसी तरह जब आप दूसरी साइड पर भी जाएंगे, तो जैसे आपने कोई पेंटर को देखा हो तस्वीर जब वो बनाता है, तो कैनवस के ऊपर छोटा सा ग्राफ बनाता है, और जिस बंदे की उसने तस्वीर बनानी हो उसके ऊपर भी ग्राफ बना लेता है। तो ग्राफ की मदद से आप चीज को देख के एग्जैक्ट सेम बना सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर भी। तो ग्राफ इसलिए यूज होता है, अगर आप कोई भी तस्वीर देखें ना, यहाँ से नेट पे आप खोल लेते हैं पेंटिंग विद ग्राफ, जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको मैं अगर उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और इधर आके इलस्ट्रेटर में ले आता हूँ और उठा के यूं साइड पर रख लेता हूँ। अब इसका जो ग्राफ है वो आप देखें,
अब जब आप इसको सेम बनाएंगे ना साइड पर रख के, या वैसे ही आपके पास कोई चीज हार्ड फॉर्म में पड़ी है, सॉफ्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो आप इधर से इसके ग्राफ काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल ये जा रहे हैं रो वाइज, और यानी कॉलम टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी रो है, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखना है, जैसे आप कहते हैं कि ये और ये इतना पार्ट है, इस तरह से वो कर रहा है। ये उस सूरत में कि चीज हार्ड फॉर्म में है, ग्राफ लगा के बनानी पड़े, तो सेम एग्जैक्ट इलस्ट्रेटर में आप किस तरह बनाएंगे, वरना तो वो एंगल उसके खराब हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल बड़ा कॉमन सा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निकल चीज है, वो ये है कि अगर आप कोई भी शेप ले लेते हैं, यहाँ पे एलिप्स टूल है, यह आपने शेप बनाई, इसको आपने फिल किया, ठीक है। शेप को फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर ये कटर कहाँ गया, ये इसके अंदर आता है जी नाइफ, एक। अच्छा, अगर गलती से आपके पास ये चीज आ जाए काम करते हुए, ये इस तरह का एक ग्राफ आ रहा है, ठीक है, इसको हम प्रोस्पेक्टिव ग्रिड कहते हैं, ये भी हमने सीखना है। कंट्रोल शिफ्ट आई, ये इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ ये आ जाता है और कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ ये वापस चला जाता है, ठीक है। ये है जी हमारे पास ये ग्राफ के बिल्कुल नीचे स्लाइस टूल। अब इस स्लाइस टूल के साथ हम किस तरह से काम करेंगे, अगर इसको आप यूं बनाते हैं, ये वाला नहीं, यहाँ पर स्लाइस सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट नहीं किया, ये ले जी, ये था टूल नाइफ टूल, ठीक है। मैंने स्लाइस लिख दिया था आउटलाइन में, हम कोई शेप यहाँ पे कोई सी भी शेप ले लेते हैं, लिप्स टूल ही ले लेते हैं, ठीक है। लिप्स टूल के बाद हम यहाँ से लेंगे नाइफ टूल, नाइफ टूल के बाद अगर हम इसको सेंटर में से एग्जैक्ट काटना चाह रहे हैं, तो ये जो ब्लेंडर यहाँ पे होता है, ये लाइन बिल्कुल सीधी नहीं आ रही, अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाना चाहेंगे तो ये सीधी नहीं आएगी, तो आपको इसके साथ शिफ्ट बटन अगर प्रेस करके भी करना पड़े तो तब भी लाइन सीधी नहीं आती। ये मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया हुआ है, तो शिफ्ट बटन के साथ भी मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, शिफ्ट और ओल्ड, ये दो बटन एक साथ प्रेस करने हैं, शिफ्ट और ओल्ड के साथ आपकी बिल्कुल लाइन सीधी जाएंगी, और अगर आपने इसके जितने भी स्लाइस करने हो किसी भी शेप के, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब आप मूव टूल पे क्लिक करें और पार्ट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है, यू। अच्छा जी, अच्छा सर, एक रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल अगर हम बनाए, और उसका जो स्ट्रोक है, अगर उस स्ट्रोक को किसी कोने से या किसी साइड से हम काटना चाहते हैं, थोड़ा सा उसमें कट लगाना चाहते हैं, तो वो किस तरह लगाएंगे? अच्छा, ये हमने रेक्टेंगल लिया, ये ले, अब क्या करना, आपने क्या पूछा जी? जी, अब ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, इसका अगर स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा दें। जी, ये ले, बढ़ा दिया। हाँ, अब ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसको दरमियान से, अब मैं दोनों साइडों से थोड़ी थोड़ी रखना चाहता हूँ, दरमियान से कट करना चाहता हूँ। दोनों साइडों से रखना चाह रहे हैं, दरमियान से कट करना चाह रहे हैं जी, ऊपर वाली लाइन, यानी उसका स्ट्रोक वहां पे ना हो, ये कह रहे हैं जी? हाँ जी, स्ट्रोक वहां पे ना हो। तो ये ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट, इनकी मदद से आप कर सकते हैं। ओके, ऐड एंकर पॉइंट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। ये ऐड एंकर पॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद आप सेंटर वाला पॉइंट इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया, एंकर पॉइंट टूल नहीं सर,
एंकर पॉइंट टूल, इसमें ट्विटर का जो लोगो है वो आपको मैं इसकी मदद से बना के दिखाऊंगा, इसकी आपको समझ लग जाएगी कि एंकर पॉइंट टूल क्या होता है। ठीक है, एंकर पॉइंट टूल से आपने किस तरह से काम करना है, किसी भी शेप को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये तो सर फिर भी स्ट्रोक नीचे आ रहा है ना, मतलब इसको खत्म करना है दरमियान में से, ये यहाँ तक ही रुक जाए स्ट्रोक जहाँ पे आपने एंकर पॉइंट्स लगाए हैं। ठीक है, एक तो वो हो सकता है ना पाथफाइंडर से, पाथफाइंडर के साथ हमारे पास स्ट्रोक इसका गायब नहीं होगा, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये शेप ऐड कर देगा, नीचे आ जाएगा। जैसे अगर आप पाथफाइंडर टूल को ओपन करते हैं, ये देखें, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये ऐड हो रहा है जी। अब ये चीज इसको खत्म करना हो, ये वाला जो आपने स्ट्रोक लगाया है दरमियान, ये नीचे आ रहा है, इसको खत्म करना है दरमियान में से बिल्कुल। एक मिनट जी, उससे नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ जी, ये पेन टूल से अगर आप इसको चूज कर लेते हैं तो ये शेप चेंज करेगा, उससे ये करेगा नहीं। तो इसको आप रख लें कल पे, मैं इसकी थोड़ी रिसर्च करके आपको बता देता हूँ, नो इशू। ठीक है जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ रह गई थी ये भी कल पे चली गई क्योंकि टाइम भी एंड हो गया, और एक्सेल से किस तरह से इधर वर्किंग करनी है ये शॉर्ट है ये बता देता हूँ। आप एक्सेल जो जो जानता है, ठीक है, वो इसको ईजिली हैंडल कर लेगा, जिनको नहीं आता वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके एक्सेल के बेसिक जो लेक्चर्स हैं उसको देख सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ डाटा एंट्री करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई मेन्यू कार्ड मिल जाता है बनाने के लिए या कोई भी चीज़ है जिसमें काफ़ी डिटेल वगैरह है। ठीक है, तो अभी इधर मैं कोई एंट्री करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, जैसे ये कॉपी किया ये एरिया, यहाँ पे मैं लगाता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर लगा के तो ये कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद लिस्टेटर खोला मैंने और कंट्रोल वी, कंट्रोल वी जैसे करूँगा ये देखें, अगर ये चीज़ मुझे लिस्टेटर में बनानी पड़ जाती है तो इस पर अच्छा खासा टाइम लग सकता है लाइंस के ऊपर और इसको एडजस्ट करने में। अब ये इजीली जो है वो एक तो एडिटेबल है, ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक कर करके यहाँ तक चले जाएंगे, ये देखें। अच्छा, एक ये चीज़ के आप डायरेक्ट इधर मूव कर सकते हैं सिंपल कॉपी पेस्ट करने से। दूसरा ये है कि हम यहाँ पर अगर कलर स्कीम चेंज करते हैं, कोई भी कलर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो सेम एज इट इज इलस्ट्रेटर के अंदर वो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। जैसे इसकी मैं कलर स्कीम को ये चेंज करता हूँ, ये आप देखें, कंट्रोल सी और इधर आए कंट्रोल वी। जी अब्दुलरहमान पूछे। इसको क्लिक करेंगे, जैसे ये एक एरिया है हमारे पास, सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, ये बॉर्डर लग गया। ठीक है, फिर इसका वेट इंक्रीज कर सकते हो, इसी के अंदर ये लाइन स्टाइल है, लाइन का स्टाइल बदल सकते हो, लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर आप सारी जो भी यहाँ पे चेंजिंग करोगे वो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में चला जाएगा। अब जो मेन चीज़ हमें अक्सर यहाँ पर करनी पड़ती है डिज़ाइनिंग में, ग्राफ्स बनाने पड़ जाते हैं। जैसे अगर कोई भी ग्राफ आप बनाते हो, डेटा
मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक नई फाइल ली, इधर मैं लिखता हूँ अली, उमर, हसन, शाहिद, और यहाँ पर एंट्रीज कर रहा हूँ। इस सारे को सिलेक्ट किया कंट्रोल सी से, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाता हूँ, कॉलम और फर्स्ट ऑप्शन, ये एक मैंने बार बना दी, ठीक है। इधर से मैं इसका कोई कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे पास नीचे ऑप्शंस आ रही हैं, ये 3D का भी आ रहा है। अच्छा, अब इसको मैंने लेके जाना इलस्ट्रेटर में, ठीक है, और ये चीज भी इसकी अभी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। एक क्लिक किया कंट्रोल सी, इधर आए इलस्ट्रेटर के अंदर कंट्रोल वी, तो ये चीज मेरे पास यहाँ पे आ गई, जिसको मैं इजीली मजीद अगर डिजाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब अगर डाटा मैंने चेंज करना है तो वो एक्सेल के अंदर, अगर इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है यहाँ पर तो ये एक्सेल के अंदर से ही कर सकता हूँ, बोल्ड करना है तो वो भी एक्सेल के अंदर। अब इस फॉर्म में चाहिए कंट्रोल सी, इधर आया इसको डिलीट किया कंट्रोल वी, तो ये जस्ट कॉपी पेस्ट से हम इधर अपनी चीजों को ला के सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी ये कल फिर स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे रूल ऑफ डिजाइन से, और ये गाइड एज ग्रिड ये भी करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकते हैं सर। वो मैंने ट्राई किया था जो स्मूथ टूल है, वो पेन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा, मतलब वो कोई काम पेंसिल के ऊपर ही करेगा फिर, अगर पेन टूल पे वो कर रहा होता तो वो पेन टूल के अंदर होता वो टूल, ठीक है। इसकी जो जगह है उन्होंने यहाँ पे रखी है पेंसिल टूल के साथ ही, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर, जज़ाकअल्लाह।